हेलो गाइस, तो आज हम गेम प्ले करेंगे GTA 5 का इस ऑपरेटर हेलियस 300 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था यार सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेड सेटिंग में मैं खेलूंगा, तो रिफ्रेश रेट देख सकते हैं आप 144Hz 1080p वी सिंक ऑफ है, बाकी सारी सेटिंग रिकमेंडेड है, वेरी हाई प्लस हाई सेटिंग्स। तो डिस्प्ले तो 144Hz है लेकिन वीडियो 60fps में शूट हो रहा है, तो बिल्कुल आपको एक्चुअल जो मैं देख पाऊँ तो वो आपको तो सही तरह नज़र नहीं आएगा, आपको 60Hz में नज़र आएगा, लेकिन मैं जो रियल में देख रहा हूँ वो 144Hz है। एंड जो मेरे कमरे का फ़ैन है वो चल रहा है फुल स्पीड पे, एंड जो लैपटॉप का फ़ैन चल रहा है वो ऑटो मोड पे, तो हम इसे मैक्स मोड पे भी ट्राई करेंगे, तो उसी बात पे लाइक कर देना। तो गेम तो हमें मिशन करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने परचेज की थी, फाइल मैंने डाली नहीं इसके अंदर जिसमें मैं ओपन वर्ल्ड में घूम पाऊँ। मिशन करते हैं हम। ब्राइटनेस फुल है, स्पीकर की आवाज भी फुल है। अभी फैन ऑटो मोड पे है लेकिन जब मैक्स मोड पे करूंगा तो बहुत डिफरेंस पड़ता है टेम्परेचर पे। अभी तो 90 टच हो जाता है, गर्मी है, सर्दियों में तो 80 के ऊपर नहीं जाएगा हिसाब से लग रहा है टेम्परेचर मुझे। बाकी सुना तो यही है कि लैपटॉप पहले ही अंडर वोल्ट है, अंडर वोल्ट करने की जरूरत नहीं है। कई होंगे कमेंट आएंगे कि कहाँ से खरीदी थी गेम, ये मैंने स्टीम से खरीदी है 1000 रुपये में, सेल लगी थी तब, अब तो महंगी होगी। ओ, दास के मोड एंड कीबोर्ड भी RGB है इसका, बस कस्टमाइज करना पड़ता है ब्रेडर सिंस में जाके। इसके अंदर मैंने ये वाला इफेक्ट लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक सारे कलर हो रहे हैं, तो देख सकते हैं 91 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा। ये तो मैंने कमरा वगैरह सारा बंद किया हुआ है, अगर यही थोड़ा ओपन एयर में होता तो और 92 तक गया। अभी देखा, अभी देखना जब मैं मैक्स मोड में करूँगा फैन को तब कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पांच मिनट खेल लेते हैं ऐसे ऑटो फैन पे। ऐसे तो मैं मॉनिटर यूज करता हूँ लैपटॉप के साथ हमेशा, क्योंकि मैं पूरी फीलिंग लेता हूँ पीसी वाली लैपटॉप पे, लेकिन ये लैपटॉप जब से मैंने यूज किया तब से मॉनिटर पे मन नहीं कर रहा मुझे। मॉनिटर लगाता हूँ क्योंकि वो 60Hz का मॉनिटर है और इसकी डिस्प्ले देखता हूँ तो 144Hz, तो मॉनिटर पे यूज करने का मन नहीं करता ये लैपटॉप। तक मैक्स चले गया था। अब लॉस दो कॉप्स करना है, अब हम कर देते हैं वैसे इसे मैक्स मोड पे फैन को। यहाँ पे बटन भी दिया गया टर्बो का, लेकिन ये दबाएंगे तो ये फैन भी मैक्स मोड पे हो जाएंगे और जो GPU है इसका वो भी ओवरक्लॉक हो जाएगा, लेकिन हमें खाली फैन को मैक्स मोड पे करना है तो मैनुअली आगे करना पड़ेगा, उसके लिए डेडिकेटेड बटन नहीं है, ना ही ये बटन कस्टमाइज होता है, मे भी होता हो लेकिन मुझे तो सेटिंग नहीं मिली। तो ये कर दिया हमने मैक्स मोड पे,
कॉप्स करनी है लॉस। मुझे जगह बताया कहाँ जाना है, हम ट्रेन वाली जगह थी कहाँ थी, उस साइड थी याद नहीं। अब टेम्परेचर है वो कितना, एकदम से डिग्री हो चुका हुआ है। तो मैक्स मोड इसका बहुत पावरफुल है फैन का। पुलिस पे जो हटानी होता ना, कहीं जाके छुप जाओ। मुझे जगह वो पता नहीं कहाँ, जहाँ मैं कल भी ट्राई कर रहा था छुप गया था। और कल मैं वीडियो में बताना भूल गया था कि इसका जो ऊपर की साइड है वो मेटल की है और ये भी मेटल का है। मेटल है एल्यूमिनियम है ये तो नहीं पता, पर है स्टील की चीज़ कोई, और नीचे प्लास्टिक है, जैसे प्रेडेटर पुराना वाला था वैसे ही है, और सॉलिड है। देखा मैक्स मोड में कितना दम है इसके। टेम्परेचर पे ध्यान जा रहा है, गेम पे ध्यान नहीं जा पा रहा। कुछ छुपने की जगह मिल जाए ना तो वहां पर पुलिस नहीं आती। यहाँ चढ़ेगी गाड़ी नहीं चढ़ने, यहाँ पे छुप के देखते हैं पुलिस आती नहीं आती। जहाँ फायर हो रही है थ्री के ऊपर नहीं गया टेम्परेचर जब से मैक्स मोड पे लगाया। कितने झुकी है यार, गड्डी भी तबाह हो गई तो मिशन फेल हो जाना। पानी च भी गियर थी तां भी मिशन गया, पानी च नहीं जाना। FPS थोड़े कम लग रहे होंगे ना आपको, क्योंकि सिंगल चैनल रैम है। सिंगल चैनल रैम पे थोड़ा इन्होंने गलत किया है, ये डिसअपॉइंट हूँ मैं इससे थोड़ा। ड्यूल चैनल रैम देते तो मज़ा आ जाता, एक ही 16 GB की लगा दी इन्होंने। यहाँ पे देखते हैं पुलिस आती नहीं आती। दूर तो रही है वो मैप के अंदर, हाँ देखा हो गया। मैं भी यही फर्क होता है ना ड्यूल चैनल और सिंगल चैनल में, कि FPS थोड़े कम मिलते हैं सिंगल चैनल में। इसको भी हम ड्यूल चैनल कर सकते हैं अगर हम 8 GB की स्टिक लगाएं, या 16 GB की एक और लगा लें, 32 GB रैम कर लें, लेकिन 16 GB रैम बहुत है। है ना इसका मैक्स मोड बढ़िया फैन का। फैन लाउड है पर लाउड इतना मैटर नहीं करता, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। लॉ ऑफ द कॉप्स, ओह मैं मारन लग गया बंदे नहीं मारने थे, केस पे गया। चलो वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है तो इसलिए हम भी मिशन बंद करें, फेल्ड कर दिए जानबूझ के।
तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।